फंक्शन ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स नेशन यानि एजुकेशन के फंक्शन कॉम की तरफ एक नेशन की तरफ क्या हो सकते हैं एजुकेशन इज अ क्रूशल सेक्टर इन एनी नेशन आज के दौर में किसी भी कौम के लिए एजुकेशन एक क्रूशल सेक्टर है एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत जरूरी है जिसके बगैर कोई भी नेशन कंप्लीट नहीं होता वो एजुकेशन जिस तरह की भी हो किसी भी तरह की हो और किसी भी मकसद के लिए हो लेकिन बहर तौर उसका होना एक सेक्टर के तौर पर आजकल लाजमी है बींग अ मेजर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ एट बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स अब अगर हम माशरे के छोटे यूनिट को यानी घर को और एक फैमिली को लें और फिर बड़े यूनिट को यानी एक मुल्क की पार्लियामेंट को भी लें जहां इंडिविजुअल्स मौजूद हैं तो फिर ये ह्यूमन कैपिटल की एक ऐसी डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट का नाम है जो कि लेटर ऑन किसी भी कंट्री को जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाती फॉर इंस्टेंस इफ यू आर एजुकेटिंग पीपल देन यू ऑट टू हैव सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल जिनके अंदर वो सारी माशरती बातें और वो सारी इनफरादी सलाहियतें जो कि एक फर्द में डिवेलप होती हैं वो सब मौजूद होंगी देर वाय यू आर एक्चुअली कल्टिवेटिंग इंडिविजुअल एंड दे विल बी प्रोडक्टिव फॉर द नेचर नाउ फॉलोइंग आर सम नेशनल फंक्शन ऑफ एजुकेशन अब नेशनल फंक्शन क्या हो सकते हैं यानी इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली बात कि इनकल्केट करते हैं लोगों के अंदर सिटीजनशिप की सेंस और मुआरे की सेंस कि आपको क्या करना है माशरे में किस तरह रहना है आपको अपने मुल्क के लिए कैसा सोचना है आपको कौम के लिए कैसा सोचना है ये बातें एजुकेशन के एजुके अलावा हम नहीं सीख सकते क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो इंसान भी जो है वो बड़ा एक सेल्फिश सा जानवर है एक ऐसा जानवर है कि अगर उसको एजुकेट ना किया जाए तो वो सिर्फ अपना पेट भरने और अपनी बेसिक नीड्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा जबकि एजुकेशन एक्चुअली टेक्स यू हायर देन योर सेल्फ आपके सेल्फ को तो पॉलिश करती है लेकिन फिर आपको यह भी बताती है कि इस माशरे में जो लोग रह रहे हैं जो जानवर रह रहे हैं जो परिंदे रह रहे हैं जो घर हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ आपकी जिम्मेदारियां क्या है ये वो जिम्मेदारियां हैं जो अगर एक शख्स में डेवलप हो और फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल में डेवलप हो जाए तो आप एक कॉम बन जाते हैं एक नेशन बनते हैं एंड देन ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप ऑफ कोर्स ट्रेन यू टू बिकम लीडर्स लीड करते हैं आप माशरे के बहुत से हिस्सों को लीड करते हैं आप पॉलिटिकली कंट्री को और लीड करते हैं सोशली आप कंट्री को एंड द नेशनल इंटीग्रेशन लोगों के अंदर एक हम आहंगी और कॉम के तौर पे आपके अंदर जो रब्त है जिस तरह हमने पहले बात की कि जब आप में ये सब बातें डेवलप हो जाती हैं और यकसा तौर पे डेवलप होती हैं कमी और बेशी इंडिविजुअल लेवल पे तो मौजूद रहती है लेकिन वो सब जो इनपुट है वो अगर यकसा है वो निज़ाम तालीम अगर यकसा है तो फिर लोगों के अंदर इंटीग्रेशन और हम आहंगी का जो पहलू है वो भी एजुकेशन पैदा करती है एंड देन टोटल नेशनल डेवलपमेंट यानी अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो वो कम्पलीटली उसी तौर पे सामने आती है कि माशरे के जिन जिन हिस्सों में कौम के जिन जिन हिस्सों में रियासत के जिन जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर वो कौम के मेम्बर्स काम कर रहे हैं और यकसा तौर पर अपने एफर्ट्स जो है वो पुट कर रहे हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन एक है वो सब एक है तो फिर वहां पर ये बात सामने आएगी कि टोटल नेशनल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है एजुकेशन के जरिए so on a national level education is the life wire of a nation's industries and also the foundation of moral regeneration and revival of its people तो फिर एजुकेशन एक मुल्क की इंडस्ट्रीज से लेके उसके फैमिली यूनिट्स से लेके उसके स्कूल्स तक लोगों के अंदर एक लाइव वायर की हैसियत रखती है एक ऐसी वायर की जिसके अंदर जो है वो जिंदगी जारी सारी है जिसकी वजह से लोग जी रहे हैं और फिर उनकी मॉरल रीजनरेशन की उनके अंदर एथिकल बातें पैदा करने के लिए उनके अंदर द सेंस ऑफ गुड पैदा करने के द सेंस ऑफ वर्च्यू एंड देन रिवाइवल ऑफ इट्स पीपल और उसके लोगों को जगाने के लिए तामीराती तौर पर वो लोग अपना किरदार अदा कर सकें इट इज ऑल्सो द्ड बोल वॉर्क ऑफ एनी नेशंस डिफेंस एंड इट हैज बिन ऑब्जर्व दैट नो नेशन राइज अब दैवल ऑफ एजुकेशन और फिर अपने मुल्क की जो दिफा है उससे लेके अपने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है और ये देखा गया है कि कोई भी कॉम एजुकेशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती और अपने जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उससे आगे भी जाना उनके लिए मुश्किल होता है